अहमद, आखिर जम्मू कश्मीर के युवा क्यों सड़कों पे हैं, ये रोज रोज देखने को मिलता है। हम इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी के अंदर और यहाँ पर रह जंगलात है, उनके मुलाजमीन यहाँ पे आए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं आखिर ये प्रोटेस्ट पे क्यों है। सर आपका नाम? क्यों आए हैं आज आप? सर आना तो कोई नहीं चाहता था ऐसे ही, वैसे मैं ये बता दूँ कि हमारा टाइम हो, कोई तो हमारी सुख ले लो, कोई तो हमारे मसले हल कर लो, क्योंकि अगर हमें आप पे कैबिनेट ऑर्डर के थ्रू हमने सब कुछ जो उसमें लिखा गया था वो अवॉइड कर दिया, हमने उस पर अमल किया, हमारे 5,000 सैलरी थी पर मंथ की फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स हम वही ले रहे। और दूसरी बात ये कि उसमें प्रोबेशन एक पीरियड था 5 ईयर्स, हमने उस पर भी कुछ नहीं किया तो आराम से वो प्रोबेशन भी काट चुके हैं। लेकिन अब जब ये 6 साल भी हो गए, 7वें साल में हम दाखिल हो गए, हमें हमारा हक कौन देगा, किससे मांगे, क्योंकि हम जिनसे मांगने कब होगा, 8 साल 9 साल में आप ज़िंदगी की एक दहाई दे रहे हो इस जॉब को सिर्फ इस उम्मीद में कि हमारा फ्यूचर से है। तो अगर हमने एक दहाई इस टास्क को दी है, इस जॉब को दी है, तो यू ओ अस आवर 6 ईयर्स, आप हमें ला के दे दो वो 6 साल, हम बात भी नहीं करें, कहाँ से लाएंगे, क्योंकि अभी हम एलिजिबल भी नहीं है किसी और के लिए, क्योंकि जब हम ऑलरेडी इस में आए उस टाइम पे हमारी एवरेज एज 35-36 थी, अब आफ्टर 6 ईयर कितनी होगी हमारी 41, तो किस एग्ज़ाम में हम जाएंगे, किससे हम कम्पीट करेंगे, तो आप हमारी करियर ओ कर रहे हो आप हमें, लेकिन कैटेगोरिकली बोलिए अगर आप हमें रखना चाहते हैं ठीक है, ये आपके हाथ में, हम तो कुछ कर नहीं सकते, एडमिनिस्ट्रेशन आप है, सब कुछ आप है, आप हमें बताइए, हम तो कुछ क्या आपने LG ऑफिस से इससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश? नहीं सर, हमने एक बार LG ऑफिस से ड्यूरिंग प्रोटेस्ट जो हमारा प्रोटेस्ट था दिसंबर से लेके फरवरी तक, 12 फरवरी तक, हमने उस टाइम पे LG ऑफिस को एक लेटर भेजी थी, लेकिन दे डिनाइड थी उस टाइम पे, उन्होंने शायद हमें एंटरटेन नहीं किया, लेकिन LG साहब से नहीं मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब से हम ऑलमोस्ट, वो भी हमें अपॉइंटमेंट देते हैं, हम चीफ सेक्रेटरी साहब से ऑलमोस्ट मंथ में एक बार या दो बार मिलते ही मिलते हैं, हम अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से भी मिलते हैं, जो भी तकरीबन कंसर्न है हर एक दरवाजे पे जाते हैं, बस इतना कि हमें बता दीजिए हमारा फ्यूचर क्या है, हमें क्लियर कर दीजिए कि प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, अगर आप हमें बोलते हैं और 4 महीने लगते दैट इज़ ओके विद अस, हम तो आराम से बैठेंगे, हम तो आप कर रहे हैं, हम वहाँ पे जॉब करेंगे, ठीक है इतना सही और सही, 4 महीने हम और भी काटेंगे इन्हीं हार्डशिप्स के साथ, लेकिन काटेंगे, लेकिन अगर आप हमें क्लियर नहीं कर रहे तो हम ऐसे 8 साल 7 साल 9 साल कैसे बैठें, क्योंकि हम अपना करियर फिर अपने हाथों से लूँगे, तो वो मुझे लगता है कि हमारे लिए भी लास्ट में LG सरकार से क्या बात है? LG सर से और ख़ासतौर पे CS सर से हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि हमारा टाइम बहुत निकल चुका है, अब कहीं ऐसा ना हो कि या तो हम सिर्फ फुल एंड फाइनल पे आ जाए या आप हमारा फुल एंड फाइनल पर, तो उससे बेहतर यही है कि सर जो अकॉर्डिंग टू लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने हमें एक हक दिया उसको आप फुलफिल कीजिए, हमें अपना हक दे दीजिए, जो हम जॉब करते आ रहे हैं अभी तक एक नियर पे से, हम खुशी खुशी उसमें अपना और भी एनर्जी दे दें, हम अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर लें और अपनी जॉब पे जाके हम खुशी खुशी एक एनर्जेटिक माहौल में हम काम कर सकें, यही हमारी रिक्वेस्ट। लेकिन अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, यानी कि जो हमारा हक है, डिमांड नहीं है ये हक है हमारा, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो ठीक है, हम फिर पढ़े लिखे सही, लेकिन हम उतना भी जानते हैं कि आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, तो फिर 15 या 16 के बाद हम J&K में आल J&K एजुकेशन की स्टार्ट कर रहे हैं, फिर अगर अकॉर्डिंग टू रूल्स इनको हमें रखना भी नहीं है तो ये फिर वो क्लियर कर लेंगे, और अगर इनके मुलाजमीन जो थे इनका यही कहना है जो आखिर हमारा हक है वो दिया जाए, और साथ ही साथ जो है जो ऑर्डर हमारा जो पेंडिंग है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब बने रही